जैसलमेर शहर से लगभग 6 किलोमीटर दूर रामगढ़ के रास्ते में स्थित है शाही स्मारकों या छतरी के लिए प्रसिद्ध बड़ा बाग। और दोस्तों, बड़े बाग में बनी छतरियां सूरज की किरणों के साथ सोने से चमकती दिखाई देती हैं। अपनी बेहतरीन कला के कारण छतरियां पर्यटकों को बहुत पसंद आती हैं और जैसलमेर में आने वाला पर्यटक यहां जरूर आता है। जैसलमेर के रियासत काल में बड़ा बाग राजा महाराजाओं की शमशान भूमि थी। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम बड़े बाग के अंदर बनी इन छतरियों की जटिल नक्काशी और सुंदर वास्तुकला का अद्भुत दृश्य देखते हैं। देखो सर, एक्चुअली अभी आप फिलहाल जिस जगह पे यहाँ पे इतना दूर आए हो, ये जैसलमेर में एक छोटी सी जगह है और जगह का नाम है बड़ा बाग। देखो, बड़ा मीन्स द बिग बाग मीन्स द गार्डन। और आपको पता है कि जैसलमेर एक बहुत बड़ा डेजर्ट एरिया, ड्राई एरिया है, जहाँ पे गार्डन होना एक बहुत बड़ी असंभव बात है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही कम बारिश आती है। तो लगभग ये 15th century की बात है, उस वक्त जैसलमेर के राजा थे जेत सिंह जी, जिन्होंने यहाँ पे एक छोटा सा गार्डन लगा था। उन्होंने 10-15 पेड़ पौधे, जैसे आम के हैं, खजूर के हैं, जामुन के हैं, तो ऐसे कई पेड़ पौधे लगाए। तो गार्डन के स्लोली स्लोली फैलता फैलता 2.5 से 3 किलोमीटर लंबा बाग फैल गया, इसलिए जगह का नाम रखा गया बड़ा बाग। आज इस गार्डन के अंदर अभी 70 से 80 पेड़ आम के हैं। तो मतलब एक सोचने वाली बात है, एक बहुत बड़ी चैलेंज की बात है कि जैसलमेर में जहाँ पे लोगों को पीने के लिए पानी भी नहीं था, और उस ड्राई एरिया में, उस डेजर्ट में 70 से 80 पेड़ आम के होना तो पूरे जैसलमेर में अपनी अलग महत्वाकांक्षा था, इसलिए जगह का नाम रखा गया बड़ा बाग। अब आपको जितने भी जो ये मोनूमेंट्स देखो, एग्जैक्टली आप जहाँ पे अभी खड़े हो, ये जगह जैसलमेर की रॉयल फैमिली का क्रीमेशन है। रॉयल फैमिली में अगर किसी भी मेंबर की डेथ होती है तो पहले उनकी बॉडी को यहाँ पे लाके जलाया जाएगा, उसके ऊपर ये मोनूमेंट्स बना देते हैं यादगार के लिए, मेमोरी के लिए। बट इस मोनूमेंट्स को यहाँ पे लोकल लैंग्वेज में छतरी कहते हैं, छतरी मीन्स अम्ब्रेला। तो रॉयल फैमिली का मोनूमेंट्स का एक रॉयल फैमिली का कस्टम है कि मोनूमेंट्स उसका बेटा नहीं उनका पोता बनाएगा। तो ये कस्टम आज भी चल रहा है कि पोता बनवाता है मोनूमेंट्स। इस वजह से तीन मोनूमेंट्स लाइन में इनकम्प्लीट है। जो फर्स्ट मटका रखा है ये अभी जैसलमेर के जो करंट राजा थे, इसका मतलब अगर आपने सुना हो तो आज से 8 महीने पहले एक राजा की डेथ हुई है, जिनका नाम था महारावल ब्रिजराज सिंह जी। तो जो फर्स्ट वाला, ये ब्रिजराज सिंह जी के फादर का, उनके फादर की डेथ हुई थी 1982 में। उस वक्त उनकी बॉडी इस जगह पे यहाँ पे अंतिम संस्कार किया गया, उसके बाद इसके ऊपर ये मोनूमेंट्स बना दिए। मतलब बेटे का काम रहता है कवर करना, लेकिन अभी जिनकी डेथ हुई है उनके दो बेटे हैं, दोनों अनमैरिड है। अब उनका बड़ा बेटा जो अभी, जिनका नाम चेतन राज सिंह, जो अभी राजा बने हैं, वो जब अभी मोनूमेंट इसके ऊपर बनवा देंगे ऐसी, यानी कि पोता अपने शादी पे अपने दादा के लिए बनाता है। अब जो इन दोनों के बीच वाला दिख रहा, ज़्यादा येलो, ज़्यादा नया दिख रहा है, वो भी मैंने आपको बताया, लगभग 8 महीने पहले जो डेथ हुई उनकी बॉडी वहाँ पे ला के जलाती है, जगह उसके बॉडी ने कमरे कर दे रही, उसके ऊपर को जो छत बनेगा वो 30 से 35 साल बाद बनेगा, ठीक है। अभी तो उनकी शादी नहीं थी जब उसका पोता बनाएगा। अभी देखो एक चीज और भी, वहाँ पे जितने भी छतरी अपने उनमें राजा रानी के साथ में, क्योंकि साथ में सती हुई थी, सती रूल आपको पता है राजा की डेथ होने पर उसकी जितनी भी पत्नी अपने पति के साथ जन्ना जिनके साथ हुई थी, फिर 1829 में सती प्रताप बैंड हो गया, उसके बाद की छतरी में राजा का लगे, रानी का लगे, वहाँ पे साथ में, क्योंकि साथ में सती हुई थी, ठीक है। तो वो सारी की सारी साथ में है, वो और पुरानी है।
है पहले। ये देखो आप इंडिया के किसी भी कोने में जाओगे राजा घोड़े पे मिलेगा। राजा अगर घोड़े पे, घोड़े के आगे वाले दोनों पर हवा में, तो एक सिंबल रहता है कि राजा की डेथ युद्ध में हुई। ये अगर घोड़े के तीन पे नीचे मिले और एक उठा हुआ तो नॉर्मल डेथ हुई, क्योंकि रखने के तो सभी एक जैसे रख सकते, फिर पता कैसे चलेगा भाई किस राजा की कैसे डेथ हुई। तो इनके दो पैर उठे हुए हैं, क्योंकि युद्ध में थे। आप मुझे अपना मोबाइल दो। कौन सा है, कौन से राजा हैं? महारावल केसरी सिंह। केसरी सिंह मोबाइल छत्रियां बनी। रियल जो रॉयल फैमिली जो पहले क्रिमेशन गांव था वो यहाँ पे था जैसलमेर सिटी के अंदर। बट 15 सेंचुरी में यहाँ पे सर के अकाल पड़ गया, मतलब कई सालों तक बारिश नहीं। तब यहाँ पे एक डैम बनाया जो स्टेप हिस्सा दिख रहा है, डैम है जो बारिश का पानी कलेक्ट करने के लिए। ये हिस्सा लेक है, पुराने टाइम में एक सूखी रिवर्स थी, तो उन्होंने क्या बीच में डैम बनाया था जो बारिश का पानी कलेक्ट करने के लिए। तो ये हिल एरिया जो भी बारिश होती है सारा पानी अभी इसके अंदर आके इकट्ठा होता है, लेक बन जाता है। और इस तरफ का ऐसा दिख रहा पूरा गार्डन है। आप पूरा जैसलमेर सिटी घूम लो, इससे ज्यादा ग्रीनरी आपको कहीं नहीं मिलेगा और इतने बड़े पेड़ भी कहीं नहीं मिलेगा। तो 15 सेंचुरी के बाद जनरेशन बाय जनरेशन जो भी डेथ हुई तो डेड बॉडी यहाँ पे लग जले। अभी टोटल 107 मोनुमेंट्स, उनमें जो ये बड़े बड़े दिख रहे राजाओं के, ऐसे छोटे छोटे उनके फैमिली मेंबर्स के। जैसे छोटे छोटे बॉक्स भी बने, तो हिंदू रिलीजन में ये भी रहता है कि छोटे बच्चे की डेथ हुई तो बच्चे की डेड बॉडी को जलाया नहीं जाता, उसको दफनाया जाता है। अब आप तो इनकी नॉर्मल डेथ हुई है, और जब इनकी डेथ हुई डेड बॉडी जब जलाई तो चार रानी सती हुई थी। अब नीचे जो लैंग्वेज लिखी पाली लैंग्वेज में हिस्ट्री लिखी हुई कि इनका नाम क्या, इन्होंने क्या किसी बने। अब इंटरलॉक में क्या रहता है, नीचे वाले पत्थर में छेद रहता है, ऊपर वाला एक्स्ट्रा मेटल फंसा देना, ये इंटरलॉक होता है। मतलब पत्थर के अंदर पत्थर फंसा के जॉइंट करना, कोई सीमेंट नहीं, कोई कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। अगर सर अपने छतरी को खोलना भी चाहे ना, तो एक जगह से खोल के दूसरी जगह भी शिफ्ट कर सकते हैं, ऐसी छतरी बनेगी। अब आप देखो ये राजा घोड़े पे, इसकी नॉर्मल डेथ हुई, इस राजा की 11 रानी थी जब इनकी डेथ हुई, डेड बॉडी जब चली। हालांकि इस राजा की 11 रानी थी, वो तीन रानी सतनी थी जिन औरतों के भी छोटा बच्चा रहता है या जो प्रेग्नेंट रहती तो औरतें सतनी थी, फिर उनकी जब भी नॉर्मल डेथ हुई डेड बॉडी जला देती थी। और ये 8 सती थी, उनमें 6 के लगे 2 के लगे हुए कि दो जो मेन रानी जिसे पटरानी कहते हैं, महारानी कहते हैं, जो अपने पति की डेथ हुई डेड बॉडी को गोद में लेके बैठती, उस वजह से उनके कपड़ों में भी देखो रेस्पेक्ट है। उनका कपड़ा अलग स्टैचू बना, और बाकी आप देखो सारी प्लेन स्टैचू। और ये कौन से राजा थे? ये महारावल हरि राय। इनकी इनकी भी युद्ध में इनकी इनकी नॉर्मल डेथ। अच्छा, चारों पैर है नीचे? नहीं, एक तीनों पे नीचे है। हाँ। लेकिन यहाँ पे दो सिंबल है, दो पर उठे तो युद्ध में, एक पे था नॉर्मल डेथ। अच्छा, आपने कहा ना चारों नीचे हैं। वो यहाँ से जैसे मैं आगे सिंबल है, वैसे सिंबल मतलब आप जानकारी के लिए सिंबल तीन है। अच्छा। लेकिन यहाँ पे दो ही सिंबल लागू है। अगर आप देखोगे चारों पैर नीचे वाला कोई नहीं मिलेगा, कोई नहीं मिलेगा, एक पैर ऊपर है तो नॉर्मल है। और इनकी तीन रानियां थी, तो सात ही सती हुई है। जेत सिंह जी, जिन्होंने जेत बांध बनाया, गार्डन बनाए, लेक बनाए, कुएं बनाए, सारा। तो महाराजा जैसल से पहले थे? जैसल से सबसे पुराने, मैंने आपको बताया ये 15 सेंचुरी से स्टार्ट है। अच्छा अच्छा, क्योंकि जैसल में बसा 12 सेंचुरी, तो वो उन बाकी वालों का गढ़ी सर लेक के अंदर है, जैसल सिटी के अंदर। बट ये प्रथा थी पहले, पहले ये लेक में थी, अब ये यहाँ शिफ्ट कर गई। हाँ, क्योंकि हिंदू रिलीजन में होता है कि क्रिमेशन ग्राउंड पानी के नजदीक होता है। हाँ हाँ हाँ।